मैंने तो सॉन्ग सुना एंड आई थिंक आई एम टू स्मॉल टू कमेंट ऑन जाजिम भाईज सिंगिंग बिकॉज आई नो जाजिम भाई सिंस अ वाइल एंड ही इज़ अ फिनोमिनल सिंगर एंड ऑल्सो रोहित को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ बिकॉज मेरी डेब्यू इन द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री एंड रोहित की डेब्यू साथ में हुई थी दिल मेरा चुराया क्यू म्यूज़िक वीडियो जो हमने किया था उससे तो आई एम वेरी कीन टू मीट रोहित ऑल्सो एंड आई एम एक्साइटेड फॉर द सॉन्ग बिकॉज या जाजिम भैया इज़ रियली रियली एन अमेजिंग सिंगर आई हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइक यू नो लिसनिंग टू हिम लाइव एंड इन पर्सन सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हिम टुडे या बहुत अभी तो मतलब अभी वो आएंगे आप भी उनको पूछना ये सवाल आप उनको पूछना बिकॉज क्या है ना ही इज़ अ वेरी क्लासिकली ट्रेन्ड एंड लाइक यू नो लर्न सिंगर आई एम ऑल्सो क्लासिकली ट्रेन एंड लर्न सिंगर सो आई वुड लाइक टू डू अ फ्यू लाइक यू नो ऑफ हिज कॉम्पोजिशन गज़ल गायकी एंड ऑल में वो बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं तो मुझे वो एंगल में भी करना है तो जाजिम बेग से आई थिंक वी आर गोना ये गाना ही बाकी था अभी इसके बाद आई थिंक हम लोग की बारी आ रही है साथ में काम करने की ऑन स्क्रीन राइट हाँ ऑन स्क्रीन या देर लुकिंग वेरी डिफरेंट इट्स वेरी डिफरेंट टू वॉट रोहित इज डन आई हैव नॉट फॉलोड मच ऑफ सुरभि'स वर्क बिफोर बट आई फॉलोड रोहित वर्क सो आई कैन से दिस रोहित बहुत अलग लग रहा है यूजुअल जो करता है ना उससे यूजुअली वो मतलब यू नो अलग कर रहे हैं काम एंड इट्स गुड इट्स दे आर लुकिंग सो गुड द वीडियो इज़ वेरी स्प्लेंडेड सो आई लाइक द वीडियो I met Sid over there, so I was talking to Sid about my future stuff. I have recently, we've started a collab with Times Music, and I'm working with Times Music on a few originals. I'm working with Sadegama on a few remakes and originals. And 2022 में मेरे बहुत सारे music videos एक साथ इकट्ठे release होंगे. Okay, so are you following Big Boss 15? No. So your song name is Bismillah, right? Bismillah. My song name नहीं. This song name, Bismillah 2. Bismillah 2, इसका meaning आप बताना चाहेंगे हमें? Bismillah का meaning मैं बताऊँ? Why are you putting me in such a difficult position? आप मेरे को क्यों ऐसे बोल रहे हो? Bismillah का मतलब I think it's like it's a greeting, it's a वो होता है ना मतलब सुभानअल्लाह बोलते हैं हम वैसे मतलब you know Bismillah तो I think मेरे लिए उतना ही मुझे उतना ही पता है मतलब इसका मतलब और क्या बोलूँ मैं? Big Boss कितना follow कर पा रहे हैं? मैंने जैसे कि अभी कहा भैया को कि ये सीज़न तो आई एम नॉट फॉलोइंग बट हाँ मेरे को एक अच्छी न्यूज़ मिली है राखी जा रही है अंदर ऑफिस तो आई एम गोइंग टू कॉल राखी आई एम गोइंग टू टॉक टू राखी जाती है इसका मतलब शो का टीआरपी है ही अरे मशीन है वो टीआरपी की मशीन है राखी जा गई तो टीआरपी ऊपर जाना ही है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज जूली भी वापस आने वाली है ऐसा मतलब ट्रेलर में देखने को मिला सो लेट्स सी इस टाइम पति राखी का पति होगा तो मैं वो चीज़ लेके एक्साइटेड हूँ बिकॉज ट्रेलर में मेरे को आई सॉ द बैक साइड ऑफ यू नो रितेश भाई सो अभी एक्साइटेड हूँ मैं अभी मैं शायद सीज़न देखना चालू करूँगा बिकॉज राखी जा रही है तो देखना पड़ेगा मतलब फिर सीज़न में कोई अपना जा रहा है ना तो उसके लिए आने वाले समय में आप कोई गाना प्रमोट करने के लिए बिग बॉस 15 के बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे बिल्कुल जाएंगे प्लान्स तो है या वेरी सून बिग बॉस हाउस एंड आई डोंट थिंक वो फेक हो जाता है एक होता है ना मैंने और विथ यू नो एक साथ ही एक घर में बंद हो कुछ लोगों के साथ अटके रहते हो आपको बाहर जाने का यू नो देयर इज नो वे टू गेट आउट ऑफ द हाउस एंड So I think maybe it's real, yaar. It looks real. I don't know if it's fake or real because I've not seen the season yet. But whatever clips I've seen, thode bahut, you know, jo Instagram and channels pe aate hain, it looks real, yeah. Baki abhi game aage badhega. I think we'll come to know kitna kaun real hai, kya. Okay, so lastly, apne fans ko kya kehna chahoge? फैंस को पेशेंस रखने बोलूँगा थोड़े टाइम से ना एक्चुअली मैं थोड़ा ऑफ सोशल मीडिया रहे मतलब आई हैव गॉन अ बिट अवे फ्रॉम सोशल मीडिया इवेंट्स एंड एवरीथिंग आई जस्ट बीन वर्किंग ऑन अ फ्यू थिंग्स ऑन माय ओन एंड या आई एम जस्ट गोना टेल माय फैंस बी पेशेंट एंड कंटिन्यू टू सपोर्ट मी आई एम कमिंग अप विद अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स थोड़ा गायब हो गया
उसके लिए सॉरी बट आई नीडेड अ बिट ऑफ मी टाइम नाउ आई एम बैक एंड या आई मीन देयर इज गुड स्टफ कमिंग इन 2022 एंड दिसंबर में भी थोड़ा ट्रैवल वैवल है तो थोड़ा गायब रहूँगा बट माइंड मत करिए आई एम कमिंग अप विद न्यू स्टफ थैंक यू सो मच जान जान लेने के आपका तो Thank you. Thank you.